बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने एक बयान की वजह से विवादों में हैं। जनसंख्या नियंत्रण पर बात करते करते उन्होंने सदन में ऐसा बयान दे डाला जिसे लेकर हंगामा मचा है। विपक्ष उनके बयान को लेकर सवाल उठा रहा है, उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि नीतीश का बयान अश्लीलता से भरा है और उन्होंने महिलाओं का अपमान किया है। दरअसल नीतीश कुमार विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण पर बोल रहे थे और इसी दौरान महिलाओं को लेकर उन्होंने विवादित बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि लड़की पढ़ी लिखी रहेगी तो जनसंख्या नियंत्रित रहेगी। इसे समझाने के लिए सीएम नीतीश ने उदाहरण दिया और उसी पर हंगामा खड़ा हो गया। हालांकि जिस वक्त वो ये बयान दे रहे थे उस वक्त भी सदन के भीतर कुछ विधायक असहज दिखे। महिला विधायक खास तौर पर इस पर नाराज नजर आ रही थी। विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार के विवादित बयान के बाद बीजेपी की विधान पार्षद निवेदिता सिंह फूट फूट कर रोने लगी। बवाल बढ़ता देख नीतीश ने अपने बयान के लिए माफी मांगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि शिक्षा से प्रजनन दर में कमी आती है, मेरे मन से कोई सख्त बात आ गई तो मैं माफी मांगता हूँ। हमने इसको लेकर यूं कोई बात कहा तो मैं माफी मांगता हूँ, इस बातों को वापस लेते हैं। अगर कोई मेरी निंदा करता है तो मैं इसका अभिनंदन करता हूँ। हमने तो महिलाओं के उत्थान के लिए ही काम किया है। बिहार में हमने इतना बड़ा काम किया, अगर इस बार हमारे मुंह से कुछ गलत बात निकल गई तो उसके लिए माफी। मैं माफी मांगता हूँ। अरे लाइव बिहार इसके लिए, अरे नीचे कीजिए, मुझे वापिस करता हूँ इन सब बातों का। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। इसको हम वापस करते हैं और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। नीतीश कुमार अगले दिन जैसे ही बिहार विधानसभा कैंपस में पहुंचे तो बीजेपी विधायकों ने घेर लिया। जमकर नारेबाजी और हंगामा देखने को मिला। इसी के बाद सीएम नीतीश ने सदन में दिए अपने बयान को लेकर माफी मांगी। अब देखना होगा कि ये विवाद कब जाकर थमता है। फिलहाल विपक्ष सीएम नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहा है। आज जिस तरह का बयान माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में दिया तो वो हम लोगों को भी बहुत शर्मसार किया है और मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मैं उठकर सदन से बाहर चली आई और भी हमारे 7-8 महिलाएं बहने थी, शायद वो अपने नेता को सुनना चाह रही हूँ, सुन रहे होंगे, मुझे उसे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे सुनने की शक्ति नहीं थी इसलिए मैं हाउस से उठ के बाहर चली आई। जो विषय पर्दे के पीछे होता है वो सारी दुनिया जानती है। आज का युवा तो यूट्यूब और सारे मोबाइल हाथ में, आपके कौन नहीं जानता है सेक्सुअल। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।